वेलकम टू पॉल्स किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिली बेबी कॉर्न मशरूम रेसिपी। इसमें जनरली कैरेट नहीं होता है, लेकिन मैं कैरेट यूज़ कर रही हूँ ताकि बच्चे को वेजिटेबल आसानी से मिल जाए। तो चलिए देख लेते हैं इसके इन्ग्रीडियंट्स। मैं यहाँ पे कैरेट ली हूँ, कैप्सिकम, ओनियन और ये जो सीज़न में अभी बरसात के सीज़न में जो मशरूम मिलता है उसको अच्छा से वॉश करके मैं नमक और हल्दी से थोड़ा सा फ्राई करके रख ली हूँ। ये है बेबी कॉर्न। बेबी कॉर्न को मैंने 5 मिनट नमक पानी में उबाल के उसको थोड़ा सा निचोड़ के ऐसे छोटे छोटे पीसेस में काट के रखे हूँ। और मसालों में चाहिए ओनियन को ऐसे रफली चॉप किए हैं, गार्लिक, हरा मिर्च और जिंजर। और सूखा मसालों में चाहिए तड़का लगाने के लिए तेज़पत्ता, सूखा मिर्चा, गरम मसाला, खड़ा गरम मसाला, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी। और टमाटर को भी ऐसे मैं काट ली हूँ। थोड़ा सा दही चाहिए और मगज भिजा और काजू। तो देखिए फ्रेंड्स, पैन गरम हो चुका है। इसमें मैं 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल ले ली हूँ। इसमें जो चॉपली हम लोग ओनियन काट के रखे थे उसको दे देंगे, जिंजर, हरा मिर्च और अदरक, ये सारे कटे हुए मसालों को दे के इसको हल्का सा थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। ये थोड़ा सा 2 मिनट फ्राई हो जाए उसके बाद इसमें टमाटर भी डाल देंगे और सारे मसालों को थोड़ा सा हम लोग फ्राई कर लेंगे जब तक टमाटर ना गल जाए। उसके बाद इसका एक तो पेस्ट बना लेंगे हम लोग। तो देखिए फ्रेंड्स, टमाटर गल चुका है। अभी इसको हम लोग एक मिक्सिंग जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे और ठंडा हो जाने पर इसका एक पेस्ट बना लेंगे। अभी उसी पैन में हम लोग दूसरे सब्जी को फ्राई कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, पैन में तेल गर्म हो चुका है। अभी मैं इसमें कैरेट डाल दूँगी और इसको नमक और हल्दी दे के डीप फ्राई कर लूँगी। अच्छा से इसको फ्राई कर लूँगी। थोड़ा सा इसमें हल्दी, नमक दे देंगे। अब इसको अच्छा से फ्राई कर लूंगी। देखिए फ्रेंड्स, कैरेट फ्राई हो चुका है। अभी मैं इसको निकाल लूंगी और इसी ऑयल में बेबी कॉर्न को नमक और हल्दी देकर अच्छा से ऐसे ही फ्राई कर लूंगी। देखिए फ्रेंड्स, बेबी कॉर्न भी फ्राई हो चुका है। इसको भी हम लोग निकाल लेंगे और इसमें अभी ओनियन और कैप्सिकम को थोड़ा सा हल्का सा प्याज का कच्चापन जाने तक फ्राई कर लेंगे। देखिए ऐसे ओनियन और कैप्सिकम को हम लोग थोड़ा सा हल्का सा फ्राई कर देंगे। इसमें भी थोड़ा सा नमक डाल देंगे, हल्दी डालने की ज़रूरत नहीं है। इसमें देखिए तेल में हल्दी फ्राई, इसलिए हल्दी और ज़्यादा नहीं देंगे, खाली थोड़ा सा नमक डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, प्याज और कैप्सिकम को इतना ही फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं। अभी इसको निकाल लेंगे और मसाला को फ्राई करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, तेल गरम हो चुका है। मैं ये रेसिपी पूरा रिफाइंड ऑयल में बना रही हूँ। सरसों तेल में भी आप लोग बना सकते हैं, लेकिन रिफाइंड ऑयल में इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा बनता है। इसमें तेल गरम हो चुका है, इसमें मैं अभी खड़ा गरम मसाला दे रही हूँ।
उसके बाद सूखा मिर्चा, तेज पत्ता, अभी जो मसाला मैंने पेस्ट कर ली थी उसको मैं डाल दूंगी। अभी इसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर मिला देंगे और इसको मसाले को भूनने के लिए ढक देंगे 5 मिनट। देखिए फ्रेंड्स, मसाला अभी तेल छोड़ने लगा है। इसमें अभी हम थोड़ा सा सूखा मिर्चा और कश्मीरी मिर्चा मिला देंगे और दही जो फेंट के रखे थे इसको भी मिला देंगे और गैस का फ्लेम लो रखिएगा और इसको अच्छा से मिलाकर फिर 5 मिनट के लिए ढक देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मसाला अभी तेल छोड़ दिया है। अभी इसमें थोड़ा सा हम लोग कसूरी मेथी मिला देंगे और नमक देंगे थोड़ा सा टेस्ट अनुसार, क्योंकि नमक हम लोग पहले भी सब्जी में डाल चुके थे इसीलिए नमक ज़्यादा नहीं डालिएगा, थोड़ा सा नमक डालेंगे और सारे सब्जी इसमें मिला देंगे। मिलाकर इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको 5 मिनट के लिए ढककर कुक होने के लिए रख देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सब्जी बॉयल हो चुका है और इस कंसिस्टेंसी तक हम लोग सब्जी को पकाएंगे। अभी मेरा हो चुका है, अभी इसमें लास्ट में हम लोग डाल देंगे घी, घी 1 चम्मच डाल देंगे और थोड़ा सा गरम मसाला और धनिया पत्ता से हम लोग इसको गार्निश करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा मशरूम चिली बेबीकॉर्न बन के रेडी हो गया है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छा लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये मेरा रेसिपी कैसा लगा। थैंक यू।